सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बहुत बहुत आयुर्वेद को छोड़कर जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें बनने वाली औषधियों में बहुत अधिक मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग होता है। आप जितनी भी एलोपैथिक औषधि लेते हैं ना, वो एलोपैथिक औषधि में जितने कैप्सूल आते हैं ना, कैप्सूल ये सब मांसाहारी, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जो कवर देखा है ना आपने, कवर होता है उसके अंदर औषधि भरी जाती है, तो वो कवर प्लास्टिक का नहीं होता। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक का है लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का होगा आप उसको खाओगे तो अंदर जाके वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक 400 वर्ष तक घुलता नहीं है। वो कैप्सूल ऐसे का ऐसे ही संडास के रास्ते निकल जाएगा। तो वो कैप्सूल बनाया जाता है जिस केमिकल से, उसका नाम है जिलेटिन। और जिलेटिन बनाया जाता है, वो सवेरे मैंने बताया, गाय के जो बछड़े बछड़ी होते हैं या गाय, उसके पेट में से बड़ी आंत निकाल के उसमें से बनता है जिलेटिन। तो सारे के सारे कैप्सूल मांसाहारी। तो अगर आप चुस्त शाकाहारी हैं तो कभी भी कैप्सूल तो नहीं खाना, गलती से भी नहीं खाना। अब कैप्सूल के अलावा गोलियां होती हैं, टेबलेट होती हैं। तो गोलियों में भी दो तरह की गोलियां हैं। एक गोली को आप अपने हाथ से ऐसे छू के देखो तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है, पाउडर निकलेगा, हाथ सफेद हो जाएगा, पीला हो जाएगा, वो गोली तो ठीक है। लेकिन आजकल कुछ गोलियां ऐसी आती हैं जिनको कितना भी घिसो कुछ नहीं निकलता, उसके ऊपर भी जिलेटिन का कोटिंग है, वो भी कैप्सूल जैसे, वो भी सब मांसाहारी। थोड़ी सी कुछ गोलियां ऐसी हैं जिन पे ये जिलेटिन कोटिंग नहीं होता, लेकिन वो औषधि इतनी खतरनाक है कि आपको कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस ऐसे 100 रोग कर दे जिन पे कोटिंग नहीं है। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, एक औषधि है पैरासीटामोल, उसके ऊपर जिलेटिन का कोटिंग नहीं है, जास्ती उपयोग किया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता। ऐसे ही एक है सिर दर्द की, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है लेकिन उपयोग करो तो लीवर खराब होता है। ऐसे ही है एक बहुत ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन, बहुत अधिक उपयोग में आजकल आती है, हार्ट के जितने भी मरीज हैं, हृदयघात के, उनको दी जाती है, उस पर कोटिंग नहीं है लेकिन उसको खाओ तो किडनी खलास हो जाती। तो जिनके ऊपर कोटिंग नहीं है वो औषधि जहर है, और जिनके ऊपर कोटिंग है वो औषधि मांसाहारी है। तो अब प्रश्न उठता है तो फिर खाएं क्या, हमारे सामने तो संकट हो गया कि नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एलोपैथिक औषधि खाओ ही मत, जाओ ही मत किसी डॉक्टर के पास। आपको कुछ रोग हो गया है तो स्वयं चिकित्सा करो, अपनी चिकित्सा स्वयं करो। अब आप पूछोगे कैसे करें, तो मैंने आपको कल बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि अपनी चिकित्सा स्वयं करने की सबसे अच्छी औषधि है गाय का मूत्र, गोमूत्र। अगर आपके आसपास में कोई देशी गाय है, गावरानी गाय, उसका मूत्र 50 मिलीलीटर पी लो तो 100 रोग की चिकित्सा तो बड़े आराम से हो जाएगी और 148 रोगों की चिकित्सा थोड़े परिश्रम से हो जाएगी। 103 रोग तो आराम से मिट जाएंगे आप, और सामान्य रूप से वही रोग आपको होते हैं, जैसे पेट के रोग है, कब्जियत है, कोष्ठबद्धता है, ये सबसे ज्यादा होने वाला रोग है। तो कब्जियत मिटाने की सबसे आसान दवा गोमूत्र है। कब्जियत अगर है तो उससे कई रोग होते हैं, मूड़ व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, अपच है, अग्निमंदता है, डिस्पेप्सिया है, इंसोमनिया है, ऐसे ऐसे 10-12 रोग है, वो सब कोष्ठबद्धता से। तो कोष्ठबद्धता आपकी ठीक हो गई तो बाकी रोग भी ठीक हो जाएंगे, तो गोमूत्र। ऐसे ही श्वास के कई रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी बहुत अच्छी औषधि गोमूत्र है। संधिवात है, संधिवात के कई तरीके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी अच्छी औषधि गोमूत्र। तो आप तो गोमूत्र पे भरोसा करो, गोमूत्र पी लो आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो उसके साथ 2-3 औषधि और उपयोग कर लो। हमारे स्वयं पाक घर में जो औषधियां हैं, जैसे मेथी दाना है, जीरा है, हलद है, तुलसी है, आल है, पान है, शहद है, हमारे घर में 148 औषधि है स्वयं पाक घर।
उनका उपयोग कर लो। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलोपैथी डॉक्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा।